पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पढ़ाई करने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढें जहां पर शांत वातावरण हो, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड ना हो। बैठने के लिए एक अच्छी कुर्सी और टेबल रखें। किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा हो। कुछ लोग पढ़ाई करते समय गाना सुनते हैं, तो गाने को उतना ही सुनें जिससे कि आपका मन विचलित ना हो। उस कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाएं। पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कहें कि वह आपके कमरे में बार बार ना आए। हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और उसके समय के अनुसार पढ़ाई करें। पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग ना समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित मोटिवेट रहें। 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई का समय टाइम टेबल में ना रखें और बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। ध्यान दें कि आपको दिन या रात जिस समय पढ़ने में आसानी होती है उसी के अनुसार अपना समय चार्ट बनाएं। अपने पढ़ाई के कार्यों को किसी भी प्रकार से अच्छे से समझते हुए पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य तय करें। अपनी मेहनत के लिए स्वयं को शाबाशी दें और उसी शाबाशी से प्रेरणा लेकर पढ़ाई में और मन लगाएं। अपने विचारों और एहसास को अपने दोस्त परिवार को बताएं और जानें क्या अच्छा है और क्या बुरा। भले ही कम पढ़ें पर समझ कर पढ़ें।